नमस्कार साथियों, मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है टीचर्स क्लासेज। दोस्तों, आज अपन करेंगे कोई नया अध्याय शुरू करेंगे। पिछली क्लासेज में अपन ने किया था सिलोज्म अपन ने कवर किया था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी सिलोज्म की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे YouTube चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और ए पर पढ़ रहे मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं उनका मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। अगर उन्होंने भी मेरी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाके विजिट कीजिए। और अगर आप कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी और अपनी तैयारी को बनाना चाहते हैं और बेहतर, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको टेस्ट वन सब्सक्राइब करना होगा। दोस्तों, टेस्ट वन सब्सक्राइब करने से क्या होगा, टेस्ट वन सब्सक्राइब करने से आपकी तैयारी और मजबूत बनेगी। तो आपको करना क्या है, अपनी तैयारी को और अच्छा स्ट्रॉन्ग करने के लिए टेस्ट वन सब्सक्राइब करना होगा। वहाँ से आप पर्टिकुलर किसी भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो ये तो हो गई जानकारी आपकी कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है और किस प्रकार से अपने को एग्ज़ाम की तैयारी प्रिपरेशन करना है। अब बात करते हैं कि सर आज पढ़ने क्या वाले हैं, आज पढ़ने वाले कोई नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पिछला जो चैप्टर जो अपन ने कवर किया था वो था सिलोज्म के बाद जो आज कवर करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग। अपन क्या करेंगे, अब लॉजिकल रीजनिंग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आज स्टार्ट करने वाले हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन। हर एक एग्जाम के अंदर इससे दो या तीन क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, चाहे मैं ग्रुप डी की बात करूँ, चाहे NTPC को ले लीजिए आप, चाहे SSC, चाहे बैंक, सभी एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से क्वेश्चन आता ही आता है। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले अपन क्या करते हैं, एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट है साथियों, वो है ना कभी रुकें और ना ही कभी आप भागें। एक विद्यार्थी का जो मूल मंत्र होता है मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ कि ना कहीं कभी भागें और ना ही कभी रुकें, बस आप निरंतर क्या करें, लगातार चलते रहिए। यही क्या है साथियों, एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। आई होप आपको मोटिवेशनल कोड अच्छा लगा होगा। इसी मोटिवेशनल कोड के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास में आज का जो अध्याय रहने वाला है वो है अपना स्टेटमेंट कंक्लूजन। तो सभी सबसे पहले टॉपिक लगा लीजिए स्टेटमेंट कंक्लूजन। इसको हिंदी में बोला जाता है कथन निष्कर्ष। स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इसको हिंदी में बोलते हैं कथन निष्कर्ष। कल जो सिलोज्म अपन ने किया था या प्रीवियस क्लास में जो अपन ने सिलोज्म किया था उसको हिंदी में बोला जाता है न्याय वाक्य, लेकिन आज के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन। देखिए साथियों, इसको स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ तीन चार पॉइंट हैं, उन तीन चार बातों को जान लीजिए। अगर वो तीन चार बातें आपके माइंड में रहेगी तो बेसिकली आप स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन इजीली बना पाएंगे। आपको करना क्या है, इसमें कथन आपको दिए जाएंगे, वैसे ही निष्कर्ष आपको मिलेंगे, निष्कर्ष के रिगार्डिंग आपको आंसर्स दिए जाएंगे, उन आंसर्स को आपको नोट करना है और अपने आंसर्स करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। पहली बात क्या है, या पहला नोट अगर मैं डालना चाहूँ या लिखवाना चाहूँ तो पहला नोट ये है कि अगर आपका कथन पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष आपका नेगेटिव नहीं होगा। अगर कथन सकारात्मक हो तो नकारात्मक निष्कर्ष कभी भी मान्य नहीं होता है। ये पॉइंट आप जरूर नोट कीजिएगा, इन पॉइंट के बगैर आप इस कथन निष्कर्ष को नहीं समझती है। अगर स्टेटमेंट में पॉजिटिविटी है या पॉजिटिव अपना कथन है तो निष्कर्ष कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है कि अगर कथन में सरकारी आदेश या नियम हो, अगर
कथन में सरकारी आदेश या नियम हो तो वह निष्कर्ष हमेशा मान्य होता है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है, अगर कथन में रिजल्ट से रिलेटेड या सलाह हो या कोई निवारण हो तो वो निष्कर्ष हमेशा मान्य होते हैं। यदि कथन में सलाह, निवारण या परिणाम हो तो वह निष्कर्ष मान्य होते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, इसमें फोर्थ पॉइंट है, निष्कर्ष में यदि कुछ शब्द आए जैसे कि हमेशा, सभी, निश्चित रूप से, हमेशा, सदा, निश्चित, एकदम, शत प्रतिशत, अगर आपको निष्कर्ष के अंदर इनमें से कोई भी एक शब्द दिख जाए, यदि निष्कर्ष में हमेशा, सदा, निश्चित, एकदम, शत प्रतिशत आदि शब्द हो, केवल एकमात्र आदि शब्द जुड़े हों तो वह मान्य नहीं होता है। साथियों, चार पॉइंट मैंने आपको लिखवाए हैं। चार पॉइंट क्या लिखवाए हैं? यदि निष्कर्ष में हमेशा, सदा, निश्चित, एकदम, शत प्रतिशत, केवल, एकमात्र आदि शब्द जुड़े हों तो वह मान्य नहीं होता है। ये चार पॉइंट हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अपना पांचवा पॉइंट, देखिएगा। चार पांच पॉइंट है बस इसके, फिर इसके बाद क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे इसकी। इसका पांचवा पॉइंट है, यदि कथन में प्रचार या विज्ञप्ति से संबंधित कोई बात कही गई हो, यदि कथन में प्रचार या विज्ञप्ति से संबंधित कोई बात कही गई हो तो, यदि कथन में प्रचार या एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कोई बात कही गई हो तो वह निष्कर्ष, उससे रिलेटेड निष्कर्ष मान्य होता है। क्लियर? तो ये चार पांच पॉइंट हैं। पहली बात क्या लिखवाई मैंने आपको? पहली बात लिखवाई, अगर आपका कथन पॉजिटिव है, निष्कर्ष नेगेटिव है तो उसको मान्य नहीं करना है। यदि कथन में आपके परिणाम, सलाह, निवारण आदि शब्द आ जाए तो वो निष्कर्ष आपको मानना है। यदि कथन में आपके
प्रचार या विज्ञप्ति वाले शब्द आ जाए तो वो निष्कर्ष भी मान्य होता है, लेकिन निष्कर्ष में जैसे कि शत प्रतिशत, एकदम, सदा, सभी, केवल, एकमात्र, ये शब्द आ जाए तो निष्कर्ष को कभी नहीं माना जाएगा, यानी वो निष्कर्ष क्या होगा, बिल्कुल रोंग होगा। ये चार पांच बातें हैं आपको हमेशा याद रखनी होगी। अगर आपको ये बातें हमेशा याद रहेगी तो आप स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन के क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे, इजीली आप उन क्वेश्चन को बना पाएंगे साथियों। तो आइएगा क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और आज का पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न है साथियों, पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन है आर्थिक विकास के, आर्थिक विकास प्राप्ति के लिए, आर्थिक विकास प्राप्ति के लिए लोगों को कठिन परिश्रम, लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। ये आपका एक कथन हो गया। अब इसके निष्कर्ष देखिएगा, ये आपका क्या है, कथन है। अब इसके निष्कर्ष आपको दिए गए हैं, निष्कर्ष में आंसर देने का तरीका वही होगा साथियों। दो निष्कर्ष मिलेंगे, अगर पहला फॉलो करो तो पहले को लगा दीजिए, दूसरा फॉलो करे तो दूसरों को लगा दीजिए, दोनों फॉलो करे तो सी ऑप्शन, अगर कोई भी फॉलो नहीं करें तो डी ऑप्शन, और या तो या फॉलो करे तो ई ऑप्शन। और स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन के क्वेश्चन करते समय आपको हमेशा प्रेजेंट में रहना है, क्वेश्चन को रियल लाइफ से रिलेट करना है आपको हमेशा, आपको हमेशा फ्यूचर की बातों को ध्यान में नहीं लाना है, तभी जाकर आप स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन के क्वेश्चन इजीली बना पाएंगे। सभी बच्चों का ये वाला टॉपिक्स हमेशा कन्फ्यूजिंग रहता है, लेकिन आज के बाद आपको कन्फ्यूजन हमेशा के लिए आपका ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म कैसे हो जाएगा, जो चार पांच बातें मैंने आपको नोट करवाई है, अगर वो चार पांच बातें आपको नोट है या आपके माइंड में हमेशा क्वेश्चन करते समय चल रही है तो आप स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन इजीली बना पाएंगे। बट अगर आपके माइंड में ये बातें आपके माइंड में नहीं है तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा। तो निष्कर्ष पहला है, क्या निष्कर्ष है आपका, निष्कर्ष पहला है आर्थिक विकास लोगों के कठिन परिश्रम से सीधे संबंधित है। आर्थिक विकास पहला है, आर्थिक विकास लोगों के सीधे कठिन परिश्रम से संबंधित है, ये आपका पहला निष्कर्ष है। दूसरा निष्कर्ष है आपका, दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है, सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है। चलिएगा यहां से अपन आंसर निकालते हैं कि पहला निष्कर्ष फॉलो होगा साथियों कि दूसरा निष्कर्ष अपना फॉलो होगा। सबसे पहले तो आपको जो कथन दिया गया है सिर्फ और सिर्फ उसी कथन को अपने माइंड में रखना है, उसके अलावा अपने को कोई भी बात ध्यान में नहीं लानी है। चलिएगा आर्थिक विकास प्राप्ति के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए, सही बात है भाई, कथन इसमें बोल दिया गया है। पहला निष्कर्ष है आर्थिक विकास लोगों के सीधे
कठिन परिश्रम से संबंधित है। पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है साथियों। क्यों सही है? क्योंकि कथन को देखिए, क्योंकि आर्थिक विकास के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, ऐसी आपको सलाह दी गई है। आर्थिक विकास के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, ऐसी आपको सलाह दी गई है। और मैंने पॉइंट लिखवाया था, अगर सलाह निवारण या परिणाम से संबंधित कोई कथन है तो उनसे संबंधित निष्कर्ष हमेशा सही माने जाएंगे। तो ये इससे ही रिलेटेड है। आर्थिक विकास लोगों के सीधे कठिन परिश्रम से संबंधित है। बिल्कुल सही है साहब, पहला निष्कर्ष सही होगा। दूसरा देखिए, सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है। यहां पर देखिए, असंभव है ऐसी बात क्या कथन में बताई गई है? क्या कथन में तो सिर्फ और सिर्फ आपको सलाह दी गई है। असंभव वाला वर्ड आया है, असंभव वाला वर्ड यानी नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड है तो आपको ऐसे निष्कर्ष को नेग्लेक्ट करना है, ऐसे निष्कर्ष को हमेशा अवॉइड करेंगे आप, ऐसे निष्कर्ष को आप कंसिडर नहीं करेंगे। तो दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल नहीं माना जाएगा। तो अभी फिलहाल इस वाले प्रश्न का जो आंसर होगा साथियों, वो क्या होगा? केवल फर्स्ट निष्कर्ष सही है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन। क्या कथन है? अगला कथन है, वित्तीय कंपनियां खराब प्रदर्शन के कारण खत्म हो जाती है। क्या कथन है? वित्तीय कंपनियां खराब प्रदर्शन के कारण खत्म हो जाती है। तो इसका निष्कर्ष देखिए, क्या निष्कर्ष दिया हुआ है आपको? आपको निष्कर्ष दिया हुआ है, अच्छा प्रबंधन भी वित्तीय कंपनियों को सफलतापूर्वक नहीं चला सकता। अच्छा प्रबंधन भी कंपनियों को सही से नहीं चला सकता। ये पहला निष्कर्ष है। दूसरा निष्कर्ष है, उचित प्रबंधन वित्तीय कंपनियों के विकास में सहायक हो सकता है। उचित प्रबंधन वित्तीय कंपनियों के विकास में सहायक हो सकता है। ये दो निष्कर्ष है साथियों। पहला निष्कर्ष है, अच्छा प्रबंधन भी कंपनियों को सही से नहीं चला सकता है। पहले निष्कर्ष में एक वर्ड आया साथियों, नहीं। और मैंने क्या बात आपको बताई थी कि अगर अपना कथन पॉजिटिव हो और निष्कर्ष में नहीं वर्ड आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो उसको कंसिडर नहीं करते हैं। दूसरा देखिए, उचित प्रबंधन वित्तीय कंपनियों के विकास में सहायक सिद्ध हो सकता है। बिल्कुल सही, वित्तीय कंपनियां खराब प्रदर्शन के कारण खत्म हो जाती है। किसके कारण खत्म हो रही है? खराब प्रदर्शन के कारण।
तो क्या ये निष्कर्ष किया जा सकता है, क्या ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि प्रॉपर मैनेजमेंट फाइनेंशियल कंपनीज के डेवलपमेंट में सहायक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, तो ये सही है साहब, सेकंड निष्कर्ष इसमें सही होगा। तो इसमें क्या होगा, ओनली केवल सेकंड सही है, ये अपना आंसर होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है, मंत्रीगण अपनी अपनी कार से समारोह में गए। मंत्रीगण अपनी अपनी कार से समारोह में गई। निष्कर्ष पहला, सभी मंत्री धनी हैं, दूसरा मंत्रियों के पास कार है, पास कार है, तीसरा मंत्री जन समारोह में आए, मंत्री जन समारोह में आए। चलो आइएगा पता लगाते हैं कि कौन सा निष्कर्ष इसमें सही बैठेगा। मंत्रीगण अपने अपनी कार से समारोह में गए, ये आपका कथन है, सभी मंत्री धनी हैं। आपको जो निष्कर्ष निकालना है दिए गए कथन से ही निकालना है। क्या कथन में ऐसी बात कही गई है क्या कि सभी मंत्रियों के पास खूब पैसा है या सभी मंत्री बहुत धनी हैं? देखिएगा यहाँ सभी मंत्री धनी हैं ऐसा निष्कर्ष निकाला गया है कथन को पढ़ के, तो ये निष्कर्ष कभी फॉलो करेगा? जी नहीं, ये निष्कर्ष तो कभी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि सभी मंत्री धनी कैसे कह सकते हो कि सभी मंत्रियों के पास खूब पैसा है, अपनी अपनी कारों से समारोह में गई, बस इतनी सी बात आपको कही गई है। दूसरा देखिए, मंत्री के पास कार है, बिल्कुल कार है, जब ही तो अपनी अपनी कारों से गए, मंत्री जन समारोह में आए, गए मतलब आए, तो इसमें क्या फॉलो होगा, सेकंड और थर्ड, सेकंड व थर्ड अनुसरण करेंगे, यह आपका आंसर होगा साथियों। सेकंड और थर्ड क्या करेंगे, दोनों अनुसरण करेंगे। अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, तो इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं और इन क्वेश्चन को आप इजीली बना पाएंगे, लेकिन कब बना पाएंगे, आपको बातें पता हो कि कथन अगर अपना पॉजिटिव है तो नेगेटिव ना कभी होगा, परिणाम सलाह या निवारण है कथन में तो उसको सही मानेंगे, अगर अपना विज्ञप्ति एडवर्टाइजमेंट आ रहा है तो उसका निष्कर्ष भी सही मानेंगे, अगर कोई सलाह दी जा रही है तो उसका निष्कर्ष भी सही होगा, अगर अपना निष्कर्ष के अंदर केवल एकमात्र सदा सभी शत प्रतिशत एकदम बिल्कुल ऐसे शब्द या केवल शब्द ऐसे निष्कर्ष के अंदर आपको दिख जाए तो वो निष्कर्ष क्या होगा, अपना फॉलो नहीं करेगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं इन सब बातों को, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, देश की निर्धनता का बेरोजगारी एक प्रमुख कारण है, देश की निर्धनता का
कथन है, देश की निर्धनता का बेरोजगारी एक प्रमुख कारण है। इसके निष्कर्ष देखिए। निष्कर्ष पहला निष्कर्ष है, देश में सभी व्यक्ति बेरोजगार हैं। देश में सभी व्यक्ति बेरोजगार हैं, पहला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष है, निर्धनता को समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। देखिएगा, देश की निर्धनता का बेरोजगारी एक प्रमुख कारण है, मेन कारण देश की निर्धनता का क्या बताया गया है कथन में, बेरोजगारी बताया गया है। साथियों, पहला निष्कर्ष पढ़िए, देश में सभी व्यक्ति बेरोजगार हैं। क्या इस कथन से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है? नहीं। आपको रियल लाइफ से रिलेट करना है तो ये नहीं होगा। निर्धनता को समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर आपको पॉवर्टी को ख़त्म करना है तो सरकार को उस देश के अंदर जिससे रोजगार उत्पन्न किया जा सके, ऐसे अपॉर्चुनिटी लोगों को प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो यहाँ से ये क्या होगा अपना, बिल्कुल सही होगा। ऐसे मुद्दे उठाए जाने चाहिए या ऐसे एजेंडा या ऐसे मुद्दे जिनसे रोजगार के अवसर अपने को मिल सकें, ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए। तो इसमें क्या होगा, सेकंड फॉलो करेगा, ओनली सेकंड आर फॉलो। आगे देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। अगला कथन है, अंग्रेजी के सभी चलचित्र हिंसात्मक होते हैं। अंग्रेजी के सभी चलचित्र, कथन है पहला, अंग्रेजी के सभी चलचित्र हिंसात्मक होते हैं। इसमें दो कथन है। दूसरा कथन है, कुछ लोगों को अंग्रेजी चलचित्र देखना अच्छा लगता है। कुछ लोगों को अंग्रेजी चलचित्र देखना अच्छा लगता है। इसके रिगार्डिंग निष्कर्ष है। निष्कर्ष है पहला निष्कर्ष है, अंग्रेजी चलचित्र देखने वाले सभी लोगों को हिंसा अच्छी लगती है। अंग्रेजी चलचित्र देखने वाले सभी लोगों को हिंसा
अच्छी लगती है, ये पहला निष्कर्ष निकाला गया है। दूसरा निष्कर्ष है, जिन लोगों को हिंसा अच्छी लगती है वे सभी अंग्रेजी चलचित्र देखते हैं। जिन लोगों को हिंसा अच्छी लगती है हिंसा अच्छी लगती है वे सभी अंग्रेजी चलचित्र देखते हैं। आइएगा साथियों, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा देखेगा। यहाँ पर इस वाले प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले कथन को पढ़िए आप। कथन है, अंग्रेजी के सभी चलचित्र हिंसात्मक होते हैं। यानी कि कथन में 100% ये बात कह दी गई है कि जितने भी अंग्रेजी के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, चलचित्र का मतलब ये होता है वीडियोस, चलचित्र का मतलब क्या होता है, वीडियो होता है। अंग्रेजी इंग्लिश के जितने भी वीडियो आते हैं वो क्या है, वोयलेंट होते हैं, यानी हिंसात्मक होते हैं। कुछ लोगों को अंग्रेजी चलचित्र देखना अच्छा लगता है। पहला वाला निष्कर्ष देखिए, अंग्रेजी चलचित्र देखने वाले सभी लोगों को हिंसा अच्छी लगती है। जो लोग अंग्रेजी चलचित्र देखते हैं उन सभी को क्या अच्छा लगता है, हिंसा अच्छी लगती है। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। पहला निष्कर्ष, हिंसा अच्छी लगती है तभी तो वो अंग्रेजी चलचित्र देखते हैं। और जिन लोगों को हिंसा अच्छी लगती है वे सभी अंग्रेजी चलचित्र देखते हैं। जरूरी थोड़ी है जिन लोगों को हिंसा पसंद हो वो केवल अंग्रेजी चलचित्र ही देखें, वो दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं इंग्लिश के अलावा जिनमें हिंसा दिखाई जाती है। हिंदी के वीडियोस भी ऐसे होते हैं जिनमें हिंसा दिखाई जाती है। यानी कि जिन लोगों को हिंसा अच्छी लगती है वो दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ क्या आया है, एक वर्ड आया है सभी, क्या आया है सभी। और मैंने आपको जब स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन पढ़ाना स्टार्ट किया था तो उसी समय स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अगर निष्कर्ष के अंदर सभी, केवल, एकमात्र, एकदम, शत प्रतिशत ये आदि शब्द दिखाई दे जाए तो वो निष्कर्ष क्या होगा, बिल्कुल मान्य अपना नहीं होगा साथियों। तो ये तो मान्य नहीं होगा। कौन सा मान्य होगा, केवल पहले वाला ही मान्य होगा अपना, पहले वाला ही निष्कर्ष अपना क्या होगा साथियों, मान्य होगा। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा या समझने की आप कोशिश कर रहे होंगे कि स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि समाज में जो अवेयरनेस चल रही है, समाज के अंदर जो बातें चल रही है, उन्हीं से आपको कथन दे के क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उन्हीं से यानी कि आप उस कथन के बारे में क्या सोचते हैं, यानी अगर रियल लाइफ में ऐसा हो तो आप किस प्रकार से डिसीजन लेंगे, तो उसी प्रकार से आपसे स्टेटमेंट कंक्लूजन के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आगे बात अगर मैं करूं तो इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साथियों, आज अपन ने कवर किया है रीजनिंग के अंदर एक बहुत ही शानदार और एक बहुत प्यारा टॉपिक जिसका नाम था स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग या इस टॉपिक के रिगार्डिंग फिर भी अगर कोई डाउट है या कोई समस्या है तो आप उस समस्या या डाउट को समाधान कर सकते हैं टेस्ट वन सब्सक्राइब करके। आपको करना क्या है, टेस्ट वन सब्सक्राइब करना है और इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस डीजे सर क्लासेज ऐप से कर सकते हैं। और यूट्यूब पर पढ़ रहे मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। तो ये था आज का एक सेशन, अपना प्यारा सा सेशन जो अपन ने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के रिगार्डिंग रखा था। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ, किसी इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बाय, see you.